वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग ब्लॉग। आज है निफ्टी की एक्सपायरी 16th ऑफ मई थर्सडे, और अभी मैं फिलहाल घर पे हूँ। दोपहर का टाइम है, 1 बजने को आ रहा है, और पुणे में मस्त बारिश हो रही है। आज ऑफिस अभी लेट जाऊंगा बिकॉज हमारा जो ट्रेड रहता है वो दोपहर में एक्चुअली एग्रेसिव ट्रेड रहता है एवरेजिंग के आसपास। सुबह से बारिश हो रही है तो घर में लैपटॉप ओपन करके यहाँ पे देखो ट्रेड कर रहा हूँ। एक पोजिशन बनाइए जो कि आपके साथ शेयर करूँगा, और आज मैं अकेला ही हूँ ट्रेड करने के लिए, तो सारे अकाउंट्स मैनेज करने पड़ेंगे। कौस्तुभ गाँव गए और पृथ्वीराज भी गाँव गए, तो दोनों को काम था तो वो गाँव गए, एंड अभी पृथ्वीराज कल आएगा, कौस्तुभ 2-3 दिन बाद आएगा। तो आज का ट्रेड मुझे अकेला ही करना पड़ेगा, मार्केट में खतरनाक वॉलेटिलिटी है। आपको पहले मैं पोजिशन अभी दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मस्त बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी सी रुक गई है, मस्त बारिश वगैरह हुई, और यहाँ पे देखो ट्रेड चल रहे हैं। देखो ग्रीन दिख ही नहीं रहा 2-3 दिनों से पोजिशन में। आज भी देखो छोटा सा लॉस ही दिख रहा है, 1-2 हज़ार का। एंड ये ट्रेड देखो क्या बटरफ्लाई बोलती है, आयरन कॉन्डोर 22,150 का मैंने स्ट्रैडल सेल किया, बेचा है, ऑप्शन सेल किए दोनों, कॉल एंड पुट। एंड 22,000 का मैंने पुट बाय किया नीचे की तरफ हेज, और ऊपर की तरफ 22,300 का कॉल बाय किया एज अ हेज। तो ये पोजीशन सिंपल शॉर्ट वॉलेटिलिटी है, इसका मतलब है कि मार्केट अगर 22,000 और 22,300 के रेंज के बीच में रहता है तो प्रॉफिट हो सकता है। जितना नज़दीक क्लोज होगा स्ट्रैडल के उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो प्री डिफाइन स्ट्रैटेजी, प्री रिस्क स्ट्रैटेजी, इसका मैं आपको पे ऑफ चार्ट दिखाता हूँ। तो पे ऑफ चार्ट क्या होता है, जिसमें आपको समझ में आता है कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है मैक्सिमम, तो वो देखते हैं। 10 लॉट तो 15,000 के मैं मैक्स रिस्क लिया था, 15,000 के रिस्क लेके 10 लॉट यहाँ पे हुए 15,000 में। तो ये पे ऑफ चार्ट बन के आ रहा है। देखो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 23,000 का दिखा रहा है, अभी मैक्सिमम लॉस 13-15,000 का, ये चेंज होता है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी के हिसाब से। मैक्सिमम 15,000 तक का लॉस हो सकता है। लॉस कब होगा, जब ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे जाएगा। मैक्सिमम लॉस कब होगा, जब हेज के नीचे जाएगा। हेज कहाँ पे, नीचे की तरफ 22,000, ऊपर की तरफ 22,300। तो ये दोनों ऊपर की तरफ अगर 22,300 के ऊपर जाता है मार्केट तो मैक्सिमम लॉस, नीचे की तरफ अगर 22,000 के नीचे जाता है तो मैक्सिमम लॉस। इसके बीच में रहता है तो छोटा मोटा प्रॉफिट। जितना ज़्यादा क्लोज होगा स्ट्रैडल के, मतलब ये जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है पे ऑफ चार्ट में, ये वाला यहाँ पे अगर क्लोज हो रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऊपर की तरफ कम होता जाएगा। नीचे मैक्सिमम अगर जाता है तो लॉस, यहाँ पे ऊपर मैक्सिमम जाता है तो लॉस, बीच में प्रॉफिट। तो इसे बोलते हैं आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। तो ये क्यों डालिए, वॉलेटिलिटी इतनी खतरनाक है कि नेकेड अगर ऑप्शन बेचते तो वहाँ पे बहुत क्विक मूवमेंट आ रहे, और ये वॉलेटिलिटी में हमें बार बार ओवर ट्रेडिंग या फिर लॉसेस नहीं लेने, छोटा फिक्स लॉस लेके हम ट्रेड करेंगे। और दोपहर में तो हम नेकेड स्ट्रैडल ट्रायंगल खेलते हैं, तो वो खेलेंगे आज। तो पहले अभी निफ्टी का चार्ट पहले आपको दिखाता हूँ। वॉलेटिलिटी देखो, सबसे खतरनाक वॉलेटिलिटी आज आ गई है। तो इतना खतरनाक जो मूवमेंट था ना सुबह, देखो फॉल हुआ है अराउंड 220 पॉइंट्स का फॉल था ये नॉन स्टॉप। तो मैंने क्या देखा, ये फॉल हुआ 200 पॉइंट का नॉन स्टॉप 11 बजे तक, यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा था, इसके नीचे भी एक सपोर्ट है। तो इस लेवल पे मैंने क्या किया, स्ट्रैडल बेच दिया विथ हेज बटरफ्लाई, ये जो स्ट्रैटेजी आपको दिखाई है। और मेरा जो एक्सपेक्टेशन क्या था, मार्केट ने फॉल किया है इतना बड़े, तो अगर यहाँ से और नीचे भी जाता है तो सेकेंड हाफ में एक बाउंस आके इसी रेंज में क्लोज कर सकता है मार्केट, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी। तो उस हिसाब से सेल किया, या फिर अगर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी लेता है उसके बाद कंटिन्यू नीचे आके इस रेंज में रहता है तो प्रॉफिट के चांसेस है। तो इस हिसाब से मैंने ये रेंज बना के डाली थी, बट जैसे ही डाला थोड़ी देर रहा यहाँ पे, और इस सडन यहाँ से देखो एक फ्रीक मूवमेंट अराउंड 120 पॉइंट्स का जो कंटिन्यू अप मूव था, इसमें खतरनाक रेंज के बाहर गया, 6-7,000 का लॉस दिखा। उसके बाद सीधा उतना ही बढ़िया फॉलो, अभी देखो डे लो ब्रेक किया तो नीचे की तरफ भी रेंज ब्रेक किया हमारे, अभी फिर से लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा। पहले ऊपर की तरफ ब्रेक किया था, अब नीचे की तरफ, ये कॉल गया था पहले 200 तक, अब ये पुट जाएगा। तो ये खतरनाक वॉलेटिलिटी है, इतने वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है अगर आपने ट्रेड हो। इलेक्शन आ रहा है नज़दीक, इलेक्शन का रिजल्ट, उसके लिए ये वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है, तो रिस्की है, थोड़ा सा सेफली करो। देखो कॉल 30 से गया था 170 से फिर से 27, अभी पुट भी सेम जाए गया होगा। देखो पुट का चार्ट देखो, ये देखो 20 से गया पहले 100 से 20 से फिर से अभी ट्रेड कर रहा है 130-116 वगैरह। तो ये बहुत खतरनाक है यहाँ पे एक्चुअल में ट्रेड करना।
ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाके देखते हैं क्या होता है, ट्रेड थोड़ा सा कम ही रिस्क लेंगे। टाइम हो रहा है अभी 2:30 एंड अभी मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, सो वॉलेटिलिटी तो बहुत है, अभी जाके आपको चार्ट दिखाता हूँ। चलो, सो ऑफिस में आ चुका हूँ मैं और सेटअप सारे ऑन कर दिए। यहाँ पे हमारा जो कॉपी ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है ये शुरू कर दिया, इसको शुरू होने में भी 2-3 मिनट लगते हैं। सारे जो अकाउंट है देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉग इन हो रहे हैं, जो जो हमारे कॉपी ट्रेडिंग में अकाउंट्स हैं वो एपीआई थ्रू कनेक्टेड है, सो जस्ट डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ता है, उसके बाद ये ऐसे अकाउंट है ना लॉग इन ऑटोमेटिकली होते हैं। यहाँ पे एक बार लॉग इन होने के बाद कनेक्ट हो जाएंगे और ये इस सेटअप पे हम डैशबोर्ड ओपन करेंगे। तो फिलहाल मैं अकेला ही हूँ, मनीष का मालूम नहीं मुझे आ रहा है कि नहीं, देखते मनीष आएगा तो डैशबोर्ड देखेगा, अदरवाइज ट्रेड तो मुझे जो है प्राइमरी अकाउंट पे करना पड़ेगा, कॉपी ऑटोमेटिकली दूसरे अकाउंट पे हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन करेंगे HFT के बाद और जो हमारा मेन ट्रेड है वो अभी डालेंगे 5-10 मिनट में, नहीं फिलहाल अभी 2:30 बजे तो अराउंड 15-20 मिनट है अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस टाइम हो रहा है 2:48 और मनीष भी आ चुके हैं ऑफिस में आज, अभी दोनों हैं हम, देखते हैं क्या होता है। और पहले वही वॉलेटिलिटी देखो इतनी खतरनाक, बहुत दिनों के बाद आई है मार्केट में और आप देख सकते हो ओपनिंग के बाद यहाँ पे अराउंड 230 पॉइंट्स का फॉल हुआ, उसके बाद ये रिकवरी 200 पॉइंट की, फिर से ये 200 पॉइंट से नीचे 250 पॉइंट्स का फॉल और ये फिर से एंड में 220 पॉइंट की रिकवरी। खतरनाक चारों साइड के मूव है, ये पुट साइड मूव, ये कॉल साइड, पुट साइड, कॉल साइड, जो कॉल और पुट है दो दो बार 10x 20x हो चुके हैं। ये मूवमेंट में 20x, ये मूवमेंट में कॉल 20x, ये मूवमेंट में पुट 10x, ये मूवमेंट में कॉल 10x, तो खतरनाक वॉलेटिलिटी है, बहुत ही खतरनाक है। और अभी ट्रेड भी मुश्किल हो सकता है, जो बटरफ्लाई डाला था उसमें भी लॉस ही चल रहा है, प्रॉफिट आया था बुक करने के लिए हम प्लान कर रहे थे तभी ये सडन ये जो कैंडल है ना इसी यहाँ पे आई भी बढ़ गया और फिर सोचते सोचते ये तुरंत ही ऊपर जाने लगा, तो लॉस ही चल रहा है। देखते हैं कितना चल रहा है, 2000 के आसपास का लॉस, पृथ्वीराज 1000 रुपीज़ का लॉस और ये मेरे अकाउंट पे 130 ब्रेक इवन के आसपास है, बाकी अकाउंट अभी ट्रेड नहीं लिए, तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। बहुत कम क्वांटिटी रखेंगे और दोनों है तो आई गेस ब्लॉक करना मुश्किल रहेगा, पहले ट्रेड पे फोकस करेंगे उसके बाद आपको दिखेंगे, अगर कुछ दिखाने को हमें टाइम मिलता है तो, नहीं तो सीधा ट्रेड खत्म होने के बाद मिलता है। अभी एक्सपायरी हो चुकी है और खतरनाक अपसाइड मूव आई है, बहुत ही खतरनाक थी, इतनी तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और आज भी लॉस ही हुआ है, लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू चल रही है। तो अभी इलेक्शन होने तक शायद ऐसा ही एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, अभी देखते हैं कितना अगर M2M मतलब इक्वल जो निकल, क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन भी निकाल लिया तो भी अच्छा बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, प्रॉफिट तो अभी सोच नहीं रहे, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के नीचे थोड़ा सा आ गया, मतलब 10,000-11,000 का लॉस होगा मनी वर्स को ओवरऑल, बाकी आई गेस ये पर्सनल अकाउंट वाले थोड़े ग्रीन में है। सिडनी फिश का भी आज प्रॉफिट हुआ है, अच्छा 3000 अच्छा, अभी तो अभी कल से थोड़ा सा डिफेंसिव मोड खेलेंगे बिकॉज अभी आधा मंद बाकी है और जो प्रॉफिट है उसके नीचे आ गया, मतलब ब्रेक इवन के थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ज़्यादा अगर एग्रेसिव करते तो मंथ ज़्यादा लॉस में नहीं जाने देना हमें, बस कम से कम रिस्क लेके, या फिर एक्सपेक्टेशन है अभी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो मस्त एकदम बारिश का मौसम हुआ है गुना में, हो सकता है बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, सुबह भी हुई थी बारिश थोड़ी। और ये देखो अभी एक बार आपको दिखाते हैं यहाँ पे सारा अकाउंट चार्ट है, तब तक चार्ट ओपन करो निफ्टी का, मैं अकाउंट दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो पहला अकाउंट प्राइमरी अकाउंट 6000 लॉस, कौस्तुब का और मनीष का 2500, ये एक 4200, उसके बाद रोहन का 1250, मनीवर्स का नियर 39,000 और पृथ्वीराज का 13,000, तो रेड एंड क्या किया था ट्रेड वो भी दिखाते हैं। पहले पोजीशन में एक बार यहाँ पे पोजीशन दिखाऊं तो बटरफ्लाई फिर से किया था, क्या एक्सपेक्टेशन थी, ये चार्ट देखो कितनी खतरनाक मूवमेंट हुई, पहले देखो ये दिन भर का चार्ट है, ये लास्ट जब क्लिप आपने देखी होगी तब यहाँ होगा मार्केट कहीं पे, ये कॉल का चार्ट है, हमको इंडेक्स का भी चाहिए। हाँ तो जब आपको दिखाया था मैंने 2:30 बजे के आसपास तब मार्केट ना यहाँ पे था, यहाँ पे अराउंड था, तो यहाँ से मार्केट ने 320 पॉइंट की मूवमेंट दे दी, बॉटम से कैलकुलेट करें तो नियर टू 400 पॉइंट की मूवमेंट,
और जब मार्केट यहाँ पे आया था ना, तब हमने बटरफ्लाई आखिर में मतलब एवरेजिंग के आसपास इस जगह पे डाला था, इस जगह कंटिन्यू ग्रीन कैंडल थे तो एटीएम का ही डाला, सोचा कि ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज कंटिन्यू ग्रीन कैंडल थे, बट यहाँ से भी ऊपर ही गया मार्केट और रेंज के बाहर ही गया, इसकी वजह से बटरफ्लाई में भी एंड में भी लॉस ही हुआ है। तो सुबह डाला था उसमें 10,000, दोपहर में डाला उसमें 30,000, तो ऐसे चले गए हमारे, और अभी प्रॉफिट था इसलिए हमने किया ट्रेड, सोचा कि मोमेंट हो गई है इतनी बड़ी तो थोड़ा सा साइडवेज या फिर रुकता ना मार्केट तो प्रॉफिट भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ है। बाकी अकाउंट तो आपको दिखाई दिए और ठीक है, आई होप आपको भी सीखने को मिला होगा कि ऐसे बुरे दिन भी आते हैं मार्केट में, कंटिन्यूस आप देख रहे होंगे हम प्रॉफिट ही निकाल दें, ओवरऑल मंथ सारे प्रॉफिट में ही जाते, बट कभी कभार साल में एक बार ऐसा मंथ आता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट या फिर ट्रेड मैनेज करना पड़ सकता है एग्रेसिवली, आपकी साइकोलॉजी भी ख़राब कर सकता है मार्केट, तो वैसा ये मंथ है बिकॉज 15 पहले 10 दिन में प्रॉफिट गया था अराउंड 2% के आसपास, ये जो वीक था इसमें पूरा 2% जाके अभी ब्रेक इन के थोड़ा सा नीचे आ गए, तो अभी और 2 वीक है उसमें थोड़ा सा डिफेंसिव ही खेलेंगे, मंथ की रिस्क 2% से ज़्यादा नहीं हो इतने हम अभी ध्यान देंगे और ट्रेड करेंगे। तो आई होप आपको सीखने को मिला होगा, सीखने को मिला तो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करो, यस।